तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस ये पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है। प्रॉब्लम बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ भी खींच नहीं रहा। इसमें बहुत ही स्लो इसके अंदर सकिंग हो रही है, बहुत हल्के हल्के खींच रहा है। मोटर भी बहुत स्लो काम कर रही है और वर्किंग इसकी नो बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। ये देखें ऑन करा हुआ तो इसकी पावर हो गई ख़त्म। इसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं, मोटर होती है और बैटरी होती है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ख़राब हो गई है तो दोनों ही चीज़ें चेंज कर देंगे हम। गाइस से आइए खोलते हैं। खोलने के बाद हमने इसको निकाला, निकालने के बाद हमने इसका बैक कवर खोलना है, नहीं तो यहाँ से सारे स्क्रूज इसकी खोल लेने। तो ये इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, ये घूम रही है बट बहुत स्लो घूम रही है। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी जो है ना, ये या तो ये कमज़ोर है या फिर मोटर कमज़ोर है। पहले हम इसके अंदर बैटरी दूसरी लगा के चेक करते हैं, बल्कि पहले हम इसकी मोटर चेक करते हैं किसी और बैटरी पे। यहाँ से मैंने इसकी मोटर को डिसकनेक्ट किया, मोटर को डिसकनेक्ट करने के बाद दूसरी बैटरी ली। 3 वोल्ट की बैटरी होती है, ये मैंने एक निकाल के पहले से चार्ज करके रखी हुई है। तो इस बैटरी पे अगर मैं इसे लगाता हूँ तो उससे काफ़ी बेहतर चलती है, बट ये देखिए उससे तो काफ़ी बेहतर चलती है, बट वो जो स्पीड होनी चाहिए ना इसमें, वो इस मोटर में वो स्पीड ही नहीं है। घूम तो रही है पर स्पीड में नहीं घूम रही। तो हमें ये तो पता चल गया कि बैटरी भी कमज़ोर है और मोटर भी स्लो है। बैटरी तो कमज़ोर ही कमज़ोर है और मोटर भी स्लो है। तो हम इसमें दोनों चीज़ें चेंज कर देंगे। तो भैया बैटरी मोटर को पहले हम यहाँ पे दूसरी मोटर लगा देते हैं। ये देखें अब हमने एक दूसरी मोटर ले ली थी और ये देखें आपको मैं माइक में सुनाता हूँ। देखें ये छोटी मोटर की आवाज़ है, ये नई वाली मोटर की आवाज़ है और ये इसकी अपनी मोटर की आवाज़ है। ये नई मोटर हमने इसमें लगा दी है और इसके साथ साथ हम सेल भी चेंज कर देंगे क्योंकि सेल भी ये वाला बहुत स्लो है। इसी सेल पे लगा चला कर चेक करते हैं क्या कंडीशन। ये देखें बहुत स्लो चल रहा है, मर गया, ज़रा सा चला और फिर रुक गया। नहीं सेल में भी जान नहीं है तो ये सेल भी निकाल लें। सेल निकालने के बाद इस होल्ड कर रहे हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव लगी हुई है, नेगेटिव में नेगेटिव लगी हुई है। वायर थोड़ी सी लंबी है ये, तो यही वाली वायर काट लें।
आप बचते हैं। काफी अच्छी स्पीड आ रही तो गाइस यहाँ पे मैंने इसकी बैटरी चेंज कर दी है। ये बैटरी इसकी जो है ना वो बिल्कुल वीक थी, तो जिसकी वजह से मेरी मोटर की स्पीड नहीं आ रही थी, और मोटर की स्पीड वैसे ही भी स्लो हो चुकी थी, मोटर में काफ़ी कचरा फंसा हुआ। तो मैंने मोटर भी इसकी निकाल के दूसरी लगा दी और बैटरी भी लगा दी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव मैंने इसकी चेंज करी है। चेंज करने के बाद और इसको मैंने प्रॉपर तरीके से फिट कर लिया है। फिटिंग इसकी सही नहीं आ रही थी, बट मैंने थोड़ी सी इसको सेट करके लगाया। ये देखें, और इसका राउंड आपने देख लेना है कि जो राउंड है ना ये अंदर की तरफ घूमना चाहिए इस तरह से कि हवा अंदर की तरफ जाए। तो ये यहाँ तक कंप्लीट है। मैं इसको फिट करने जा रहा हूँ, देखें किस तरह से फिट करता हूँ मैं। फिट करने के लिए आपने वायर इसकी प्रॉपर तरीके से निकाल लेनी है। निकालने के बाद
गाइस ये प्रॉपर काम कर रही है, ये सारी की सारी हमने इसके अंदर खींच ली है, ये देखें। और अगर हम इसे चाहें तो हम इसे आराम से निकाल भी सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपका वैक्यूम क्लीनर की मोटर स्लो हो जाए तो खुद डाल के बना ले जाएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी वीडियोस मुस्तकबिल में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।